ना अलाउ करेंगे, बट यहाँ मैंने देखा कुछ लोग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो गाइस, आज है न्यू ईयर, 1 जनवरी। तो गाइस, अभी हम लोग आए हैं मिनी ताजमहल, जो कि गुवाहाटी में सिजुबाड़ी में है। दिखाऊंगी मिनी ताजमहल। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी, एक बार पहले भी आई थी, बट उस टाइम में कोरोना था तो इस वजह से खुला नहीं था, और आज आई हूँ, खुला है गाइस। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। Hey guys, I'm extremely sorry for late uploading this vlog. I made this vlog on 1st of January. I don't know how I forgot about this vlog. So today is 29 January. I'm going to upload it. I hope you will understand, guys. मैं मम्मी और मेरे भाई हम लोग गए थे दिल्ली। दिल्ली में हम लोग घूमे सब जगह, बट ताजमहल को छोड़ करके। ताजमहल लास्ट में मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, इस वजह से हम लोग नहीं घूम पाए। तो वैसे आज मिनी ताजमहल आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। सो गाइज, अभी भी कुछ चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्टेड है, बट स्टिल लोग आ रहे हैं मिनी ताजमहल का नज़ारा देखने के लिए। बहुत ही प्यारा सा व्यू है गाइज, जैसा कि आप सब भी देख रहे हो। और मैं, मम्मी फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, एंड मामी भी आ रही है। मामी और कज़िन ट्रैफिक में फंसी हुई थी, तो तब तक हम लोग इंजॉय कर रहे थे। अगर कैमरा अलाउ करते हैं ना गाइज, तो आप लोगों को मैं अंदर का व्यू ज़रूर दिखाऊँगी। कल दिखा देते कि हम लोग सच्चे में आए हैं। तो गाइस, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। लिटरली गाइज, आई डोंट थिंक सो कि अंदर में भी वीडियो शूट एंड पिक्चर क्लिक करना अलाउ करेंगे, बट यहाँ मैंने देखा कुछ लोग वीडियो एंड पिक्चर शूट कर रहे थे। और गाइज, इस मज़ार का नाम है हज़रत आला मुर्तज़ा साह सोहागवी, एंड महताब हुसैन एंड जाकिर हुसैन ने अपने अम्मी अब्बू का कब्र बनवाया है यहाँ पे। एंड गाइज, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे जा कर के, और बहुत ही सुकून मिला गाइज लिटरली। और गाइज, इस मिनी ताजमहल को बनवाने के लिए अराउंड 30 लाख खर्च किए गए हैं। तो गाइज, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, एक बेटे ने अपने अम्मी अब्बू का कब्र इस तरह से बनवाया है। मेरा कॉपीकैट, मैंने इस साइड से वीडियो लिया, तो मम्मी भी इस साइड से वीडियो ले, मैंने उस साइड से वीडियो ली, मम्मी भी, हाँ मेरा भी वीडियो। हाँ सही आया। बोलेगा ये दोनों माँ बेटी जब से आया ना, तब से सिर्फ वीडियो ही कर रहे हैं दोनों वीडियो में ही लगा हुआ है। भाई हम लोग फर्स्ट टाइम आया है भाई, वीडियो तो करेंगे जरूर। जब से अपना कलाकारी दिखा, फोटो पे मैं मेरा वीडियो ले ले, एक स्लो मोशन वीडियो ले ले। कैमरा जब स्टार्ट होता है तो आप सीधा इंसान क्यों बन जाता है? बस वो भोला बन जाता है। भोला है भोला, बनूंगी ना। ओ अच्छा, ये बात है। आप भी आएंगे ताजमहल देखने के लिए, मिनी ताजमहल असम में है। असम में है, आइए आप सब भी, वो ताजमहल को भूल जाओगे, ये ताजमहल ऐसा बात नहीं। ताजमहल को भूल जाना है, गुवाहाटी के ताजमहल को देखना है, ये नया बना है असम में। तो गाइस, जरूर आना आप सब।
एंड गाइज फाइनली मेरी कज़न पहुंच चुकी थी, मैं उसका स्लोमो शूट कर रही थी। एंड गाइज मेरी मामी कैमरा फ्रेंकली नहीं है, इस रीज़न से वो व्लॉग में नहीं है। एंड मैं ना बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि चलो यार कज़िन आ गए हैं, अब तो मेरे स्लोमो भी बन जाएंगे, फ़ोटो भी अच्छे अच्छे क्लिक हो जाएंगे। और साथ ही और एक कज़िन थी रुखसार, बट वो उसका तो मैंने शूट ही नहीं कर पाई, तो सिर्फ सानिया का ही है। और अब मैं बोल रही हूँ कि मेरा भी अच्छा सा शूट कर दो, बट ये जो शूट किया है वो रुखसार ने शूट किया, बहुत ही अच्छा सा स्लोमो मुझे मिल गया था इंस्टाग्राम रील्स के लिए। सो गाइज आज का व्लॉग बस इतना ही, कैसा लगा ये व्लॉग आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा। मैं बस आप लोगों को मिनी ताजमहल दिखाना चाहती थी, जो कि मैंने अंदर का भी व्यू दिखा दिया, बाहर से भी दिखा दिया। सो अभी कुछ बचा नहीं है गाइज, तो आज का व्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय गाइज, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइज। लव यू ऑल, बाय।